एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भोपाल आकर दिल्ली रवाना, विधायकों और सांसदों की बैठक में हुई शामिल, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील। प्रशासन ने काटी 50 परिवारों की बिजली, लोग अब अंधेरे में रहने को मजबूर, बरसात के मौसम में हो रहे परेशान। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, तवा बांध के खोले गए गेट, नर्मदा के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी। कांग्रेस विधायक पासीलाल मीणा का बयान, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के आ रहे फोन, मंत्री पद देने का भी दिया जा रहा लालच। और सिवनी में लोक निर्माण विभाग के परियोजना अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगो हाथों किया गिरफ्तार, बिल पास कराने के नाम पर की थी डिमांड। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जुनेद, और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। भोपाल आई राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को झीलों की नगरी ने विदा किया, सीएम समेत सभी बड़े नेता उनको विदा करने स्टेट हैंगर पहुंचे। सीएम हाउस में पारंपरिक विधायक का स्वरूप देखने को मिला। इससे पहले सीएम हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने सभी विधायकों और सांसदों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुर्मू ने कहा कि मेरी जिंदगी खुली किताब जैसी है, मुझे प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने इस पद के लिए चुना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पद के लिए कभी प्रत्याशी भी हो सकती हूं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होना है। इस खबर पर हमारे संवाददाता ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से खास बातचीत की। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की वापसी जो है वो अब राजधानी भोपाल से होने जा रही है, लेकिन कितने परंपरागत तरीके से जो है वो यहाँ से जो है आदिवासी नृत्य जो है उनके साथ में यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बड़े ही पारंपरिक ढंग से जो है यहाँ पर जो है उनके विदाई जो है वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर की जा रही है। लगातार हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको विदाई दे रहे हैं, और लगातार जो है चर्चाएँ जो है उनके साथ हमारे साथ राम जलावन पटेल जी हैं, मंत्री हैं। सर सर मुलाकात की क्या, बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? बैठक में महामहिम राष्ट्रपति की उम्मीदवार बहन द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर जिताने की अपील की गई। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी? कोई ऐसी क्रॉस वोटिंग का मामला नहीं, सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सब उनको वोट करेंगे, उनके जिताने काम करेंगे। तो ये थे रामखेलावन पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहने की किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग की जो बात है वो बीजेपी में नहीं देखी जाएगी। लगातार ये प्रयास जो है वो देखे जा रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से इस बात को जरूर कहा जा रहा है कि जो क्रॉस वोटिंग है कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त जो है वो नजर आ रही है। लेकिन तमाम बड़े दिग्गज नेता है वो भी यहाँ, गोपाल भार्गव जी भी हैं, और उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। गोपाल भार्गव जी लगातार बैठक में वो शामिल रहे हैं, और लोगों से किस प्रकार बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो निकल कर आए हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे उनसे चर्चा करने की। आपकी पार्टी के लोग तो देखिए लगातार अभी भी जो है लोग यहाँ पर पारंपरिक नृत्य करते आ रहे हैं, लगातार जो है वो राष्ट्रपति पद प्रत्याशी जो है द्रौपदी मुर्मू उनको विदाई देना चाह रहे हैं, और ये देखिए कहीं ना कहीं एक भारत राजधानी के लिए गौरव की बात रहेगी कि किस प्रकार से वो जो है वो लगातार दे रहे हैं। सर बैठक में ये गोपाल भार्गव जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैठक बड़ी शानदार रही, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है जो बड़ी जीत है राष्ट्रपति पद के लिए वो देखने में आएगी। क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? देखिए आज भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा खुशी और बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि हमारे देश की भावी राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में पधारी हैं। उनका आज यहाँ पे हम लोगों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है। अभी मुख्यमंत्री निवास में उनका स्वागत चल रहा है, उद्बोधन चल रहा है, सभी विधायकों के साथ चर्चा चल रही है, और बहुत ही
जल्दी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और इसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए की उम्मीदवार है वे भारी बहुमत से विजयी होंगी और एक राष्ट्रपति का जो गरिमा मय पद है उसको सुभाषित करेंगी। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कुछ खास राष्ट्रपति की ओर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, अपना विधायक दल है, विधायक दल इस पे अपना पूरी रणनीति बनाएगा और क्रॉस वोटिंग ना हो इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी भारतीय महिला को इस पद के लिए शामिल किया है, ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्रॉस वोटिंग की कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं इस तरह की, वो सारी ट्रेनिंग पे होगी और आप सब जगह बढ़िया काम रहेगा। तो हम माने जो हमारे राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और उनसे परिचय हुआ और उन्हें सबसे सब माननीय जो विधायक और सांसदगण से वोट के लिए अपील की, हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं। एक आदिवासी महिला जो एक जो लायक है, अंत्योदय का जो सपना भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखती है उसको साकार करने का काम करा है तो एनडीए सरकार ने करा है, और आज एक ऐसी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है जो पूरे भारतीयों को गर्व है, जो एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचने जा रही है, तो अपना में एक ऐतिहासिक काम है। ये वोट बैंक की बात नहीं है, सोच की बात है, जो नीति है भारतीय जनता पार्टी को उसको दिखाने का एक जो एक अवसर पूरे भारत में है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करके दिखाती। आज एक गौरवपूर्ण क्षण था जब देश की राष्ट्रपति के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई और जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वागत किया, हमारे विभिन्न जिलों से आदिवासी भाई लोग आए, अन्य समाजों के लोग आए, सांसद विधायक ये तो सारे लोग थे ही। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने देखा, उनका जो मार्मिक उद्बोधन हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का, एक ऐसे परिवार से चल के आई, कैसे उन्होंने जीवन की शुरुआत किया, और उनको तो कोई होप नहीं था, वो तो राज्यपाल के बाद घर चली गई थी, अचानक प्रधानमंत्री जी का फोन जाता है और वो कहते हैं कि आपको राष्ट्रपति का फॉर्म भरना है, आपको हम लोगों ने तय किया है, तो वो थोड़ी देर के लिए हस्तप्रभ रह गई। आज उन्होंने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, और उन्होंने कहा मेरे जीवन में कोई है नहीं, मेरा बाकी का जीवन देश और समाज के लिए है, मैं उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप प्रकाश, खबर भारत भोपाल। नरसिंहपुर के गाडरवारा नगर पालिका के विवेकानंद वार्ड में 50 परिवारों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में दलित परिवार परेशान हो रहे हैं, वो अब अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे हैं, इसलिए इनके कनेक्शन काट दिए गए थे। अगर ये कुछ रकम जमा कर देते हैं तो इनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। उधर इन रहवासियों का कहना है कि जब तक चुनाव थे तब तक बिजली नहीं काटी गई, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही हमारे कनेक्शन काट दिए गए, यह ठीक नहीं है। कसरावत तहसील के ग्राम नावड़ा तोड़ी में नर्मदा किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पाई गईं, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। हालांकि मछलियों के मरने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, वहीं मछलियों के मरने की खबर प्रदूषण विभाग की टीम को दे दी गई है, लेकिन अभी तक जांच के लिए कोई नहीं पहुंचा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना का सारणीकरण पूरा करने के बाद गुरुवार को पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पदों पर निर्वाचित प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा कर प्रमाण पत्र बांटे गए। प्रमाण पत्र मिलने की खुशी प्रत्याशियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। सदस्य चुनाव जीतने पर पाटी राम नाम के व्यक्ति ने कहा कि जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनने का भी उन्होंने दावा ठोका है। पाटीदार ने बताया कि यह जनता के भरोसे की जीत है। जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित 16 प्रत्याशी जीते हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत में महिला सामान्य सीट आरक्षित है।
प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। बारिश के पानी से जगह जगह जल भराव हो जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नर्मदापुरम जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम के 10 गेट 7-7 फीट खोल दिए गए हैं, जिससे करीब कई क्यूजिक जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। सीजन में पहली बार तवा बांध के गेट खोले गए हैं। बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई, तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दिए हैं। सेंधवा के शासकीय महाविद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत चुनाव परिणामों का सारणीकरण किया गया। इसके अंतर्गत पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के जीते हुए प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा की गई। इस दौरान विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यहां पर 25 जून को मतदान किया गया था। पंच चुनाव में 4 ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिट्ठी उछालकर पंचों के भाग्य का फैसला किया गया। सेंधवा जनपद में जहां भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी अपनी पार्टी का जनपद अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। प्रशासन ने सिवनी मालवा में पंचायत चुनावों के परिणाम 14 जुलाई को घोषित करने के आदेश जारी किए। आदेश अनुसार सभी पंच, सरपंच एवं जनपद सदस्य के सभी प्रत्याशी 4 बजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंच गए। मौसम को देखते हुए घंटों लेट होने से चुने गए जनप्रतिनिधियों में नाराजगी भी देखी गई। प्रमाण पत्र बांटने की प्रक्रिया लगभग 5:30 पर शुरू हुई, जिससे चुने गए जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी गई। जैसे ही प्रमाण पत्र वितरण कार्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शुरू किया गया, तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी बीच बिजली भी चली गई। मूसलाधार बारिश में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 25 जनपद सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमें सही जवाब किसी ने नहीं दिया। अभी ये बोल रहे हैं 1 घंटे लगेगा, कोई कह रहा 1/2 घंटे लगेगा। तो ये प्रशासन है या क्या है? चुनाव आयोग से हमारा निवेदन है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। ये चुनाव हुआ है, उसका प्रमाण पत्र लेने आए हैं। अभी ये तय नहीं है कि हम लोगों को प्रमाण पत्र कब मिलेंगे। सरपंच हमारे इंटीरियर से आए हैं, पहाड़ से आए हैं, उनको जाना है और नदी नाले पूर्ण है, पानी की बरसात हो रही है, लेकिन अभी हमको कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है कि प्रमाण पत्र कब मिलेंगे। हाँ, कुछ महिला प्रत्याशी भी आई है। सब लोग तो परेशान हो रहे हैं, पानी का मौसम है। अब यहाँ अभी अंदर व्यवस्था बोल रहे हैं कि अभी जरा लिखा पढ़ी चल रही, क्या चल रही है अभी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं अधिकारियों से। आपकी चर्चा हुई, क्या जवाब? अभी तो कुछ उनने जवाब कुछ भी नहीं दिया। आज टेबुलेशन की कार्यवाही 10:30 से शुरू की गई है, क्योंकि जो मतदान 1 जुलाई को हुआ था, उसके बाद गणना पत्र को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया था। आज 10:30 उनको स्ट्रांग रूम से खुलवाकर और उनको बाहर लाके मतदान वार्ड वार जनपद पंचायतों का, जिला पंचायत के जो 3 वार्ड लगते हैं उनका, और 81 सरपंच के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 15 निर्विरोध हो चुके हैं। टोटल 96 पंचायतें हैं और 55 पंच के, इनका टेबुलेशन का कार्य किया जा रहा है। जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र बांट दिया गया है। सरपंचों के लगभग तैयार हैं, पर थोड़ी देर में उनका भी वितरण कर दिया जाएगा। सिवनी में लोक निर्माण विभाग के परियोजना अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परियोजना अधिकारी प्रभारी आनंद गोलानी बिल पास करने और चेक काटने के एवज में इस तरह की मांग कर रहा था। परेशान होकर संतोष सिंह ने इस बात की शिकायत कर दी और यह पकड़ा गया। संतोष सिंह को यहाँ की उप जेल में सुधार कार्य करना था, जिसके लिए यह काफी परेशान भी थे।
भोपाल में दो कुत्तों को घसीटकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति अमानवीय ढंग से दो मृत कुत्तों को स्कूटर पर बांधकर घसीटकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे कार में बैठे किसी व्यक्ति ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जो व्यक्ति इन कुत्तों को ले जा रहा है उसके खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। त्रिस्तरीय चुनाव के बाद एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसलिए अब कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। 21 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एक विशेष महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 25 सितंबर तक दीनदयाल जी के जन्मदिन तक सरकार यह कोशिश करेगी कि अधिकतम आबादी को प्रेरित करके वैक्सीन का तीसरा डोज लगवा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पूरी समीक्षा की है। हालांकि कोविड अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से इसके केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि चिंता जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम नजर रख रहे हैं। तो हम 21 जुलाई से 25 सितंबर तक दीनदयाल जी के जन्मदिन तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम अधिकतम आबादी को प्रेरित करके और तीसरा डोज वैक्सीन का हम लगवा दें, और उसके लिए बीच में हम लोग महाअभियान भी 4-5 चलाएंगे। ये कल चर्चा हुई है, क्योंकि लोगों को प्रेरित करने के लिए कई बार थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, तो महाअभियान के तौर पर भी जाएंगे। जैसे जैसे राष्ट्रपति पद के लिए मतदान की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे विधायकों और सांसदों को अपने प्रभाव में करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के धर्मपुरी से विधायक पासी लाल मीणा ने खबर भारत से खास चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में वो पुणे में अपने निजी काम से गए हुए थे। इस दौरान किसी का फोन आया और कहा कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की तरफ से खड़ी हुई प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाए। इसके लिए फोन करने वाले ने मंत्री पद देने का लालच भी दिया। हालांकि पूरी बात सुनने के बाद मैंने उसकी बात से असहमति जताई और यशवंत सिन्हा को ही वोट देने की बात कही। बीजेपी का एजेंडा है मुर्मू जी, और हमने बोला कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने हमारे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आदरणीय सिन्हा जी को बनाया, तो हम सिन्हा जी को मत देंगे। और कल माननीय कमलनाथ जी बैठक लेने वाले, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और हम कभी भी कांग्रेस पार्टी के विचारों से अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे शिक्षा पढ़ने का अवसर मिला, और इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने हमको नौकरियां दी और यहां तक लाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को। इन्होंने तो विकलांग पदों की भर्तियाँ नहीं करी। अगर कांग्रेस पार्टी का में हमारी सरकार और सत्ता रहती तो माननीय कमलनाथ जी विकलांग पदों की भर्ती भी करते, और जो छात्रवृत्तियाँ इन्होंने बंद कर दी, केंद्र शासन से जो आदिवासी हित ग्राहक मूलक का जो पैसा आता था वो भी इन्होंने रुकवा दिया, तो पूरा आदिवासी समाज भाजपा और मोदी जी के पूरे खिलाफ है। कुरबई में 18 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने पर अधिकारियों ने बाहर से आए मतदान दलों का फूलमालाएं पहनाकर सम्मान किया। वहीं मतदान के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी डॉक्टर मोनिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन की सराहना की। मतदान के दौरान कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। मतदान केंद्रों सहित नगर सीमा पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सिवनी के हृदय स्थल बुधवारी तालाब से लगी नगर पालिका द्वारा निर्मित 7 दुकानें भीषण बारिश की वजह से धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानों में 30 से 40 लाख रुपए की सामग्री नष्ट हुई है। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका को इसकी जानकारी देने के बावजूद इसकी ओर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। दुकानदारों में आक्रोश है और वो अब इस तरफ शीघ्र ध्यान देने की बात कह रहे हैं।
हम खड़े हैं सिवनी हृदय स्थल नगर पालिका के बुधवारी तालाब में, जहां रात में हुई भीषण बारिश के चलते नगर पालिका की कम से कम 7 दुकानें धराशायी हो गई हैं और गरीब लोग यहां सभी लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और नगर पालिका का अमला अभी तक शोध लेने नहीं आया है और ना ही जिला प्रशासन ने इसकी शोध ली है, ना पुलिस व्यवस्था यहाँ तैनात की गई है। मालिक कौन भी है ये दुकान का? नाम बताइए आपका। मुजफ्फर खान। कितने दिनों से है ये दुकान आपकी? 20 साल। ये किराया लेती है नगर पालिका आपसे? कितना किराया लेती है? इसका मैनेजमेंट होता है नहीं साल में कि पोताई होना या फिर सीमेंट मैनेजमेंट होता है? ये अचानक कैसे हुआ? अचानक ये तालाब का पानी जो नीचे कालम में आके भर गया। ये तालाब में जो गंदगी है उसको कभी सफाई नहीं की क्या नगर पालिका ने? आज तक नहीं की। धन्यवाद। पीछे कौन देख रहा है सर? पीछे जाके पीछे नगर पालिका ने कभी सफाई वफाई की है नहीं तालाब की? 40 साल में एक बार हुई थी सफाई, वो भी ऊपर का कचरा। 40 साल में एक बार हुई है, बाकी आज तक नहीं हुई। और वही कचरे की वजह है कि पानी का ठेला आपकी दुकान में आया। और दुकान और कोई है दुकान का? नाम बताइए आप। समीम भूरा। समीम भूरा, आपकी गाय की दुकान है? गाय की दुकान थी? सब्जी दुकान। कितने साल से हैं आप यहाँ? 17 साल। 17 साल तो रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी क्या? बारिश पार बिजली हो रही जिससे ये टूट गया। रात को कितने लगभग कितने बजे ये गिरा है? 4:30 सूरजपुर में भाजपा नेता सिद्धनाथ पेकरा व चंपा देवी पावले ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए हम सबको समर्थन करना चाहिए। और सूरजपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां से 3 में 2 आदिवासी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं जनजातीय समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। उनके समर्थन में सूरजपुर पीछे न रहे, इसलिए हम अपील भी करते हैं यहाँ के सभी विधायकों को द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की आबादी है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जनजाति समाज को सर्वोच्च सम्मान मिला है। आज उसी संदर्भ में हम सब अपनी बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जब से उम्मीदवार घोषित हुई है, तब से सर्व समाज एक हर्षित अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इसे जनजाति गौरव समाज, हम देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका इस फैसले का हमारी जनजाति गौरव समाज स्वागत करती है। मित्रों के समक्ष यह आग्रह करता हूं कि हमारे देश के सांसदगण, विधायकगण सभी ऐसे योग्य उम्मीदवार को समर्थन देने का कष्ट करें। और आज यहां पर हम लोग सूरजपुर जिले में, आज हम लोगों के बीच में पूर्व संसदीय सचिव बहन चंपा देवी पावले जी, आदरणीय हम लोग वरिष्ठ नेता भाई राजेश जी, भाई शशि जी, पुष्पा जी और हमारे जनजाति। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।